हेलो दोस्तों, आज अपन आज इस गेम में इंडियन बाइक 3D में ना ट्रेन के ऊपर एरोप्लेन की या फिर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करने वाले। देखते किसकी अच्छी तरह से लैंडिंग हो जाती है। तो पहले मैं एक साइड आ जाता हूँ जिससे कि अपनी ट्रेन और हेलीकॉप्टर अच्छे से दिखा सके। सामने आपको ट्रेन दिख रही होगी तो आप ट्रेन देख लीजिए। तो जल्दी से मैं करता हूँ कि अपने हेलीकॉप्टर को जल्दी से कॉल लगा के बुला लेता हूँ। तो मैं जल्दी से कॉल करूँगा 8,000 पे तो अपना हेलीकॉप्टर आ जाएगा। तो दोस्तों अपना हेलीकॉप्टर तो आ चुका है। आप क्या करेंगे, अपन ट्रेन के इंजन को कर देते स्टार्ट जिससे कि हम इस ट्रेन के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे हेलीकॉप्टर से। देखते क्या होता है दोस्तों। ट्रेन का इंजन मैंने स्टार्ट कर दिया और आपकी ट्रेन चलने में लगी है, देख लीजिए। और ये ट्रेन ना बहुत पहले तो बहुत स्लो जाएगी, फिर एकदम अचानक से स्पीड करती है। पता नहीं अभी हेलीकॉप्टर इतना तेज भाग पाएगा कि नहीं भाग पाएगा। आपको इस वीडियो में जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो मैं जल्दी से इस ट्रेन के पीछे चला जाता हूँ वरना ट्रेन निकल जाएगी। एक तो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है और उस पर लैंड करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं कोशिश करता हूँ एक बार तो अपने हेलीकॉप्टर को फुल स्पीड में रखता हूँ जिससे कि उसको मैं ट्रेन को जल्दी से पकड़ सकूँ। तो ऑलमोस्ट ट्रेन की और हेलीकॉप्टर की जो स्पीड है ना वो सेम है, तो मुझे नहीं लगता कि हेलीकॉप्टर से ये हम ट्रेन को पकड़ सकते। तो भाई हेलीकॉप्टर से तो मुश्किल लग रहा है, तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ अपनी एरोप्लेन को लेते हैं अपन। इसको करते हैं स्लो स्लो नीचे डाउन करते हैं इसको तो अपन, क्योंकि इससे तो मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। वो इतना वो भाग ही नहीं पा रहा, इससे अच्छा कि अपने एरोप्लेन को बुला लेते, उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और वो ट्रेन से भी बहुत तेज़ भागेगी। छोटी है जेट पर वो भागती बहुत तेज़ है। तो जल्दी से तो डाउन जाने में भी कितना टाइम ले रही है यार ये। दोस्तों जल्दी से जब तक हेलीकॉप्टर जाता तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी से मैं अपनी एरोप्लेन को बुला लेता हूँ जिससे कि हम जल्दी से बैठ जाएंगे अपने एरोप्लेन में। जल्दी जल्दी डबल पाँच ट्रिपल पाँच जाती और अपनी एरोप्लेन आ जाती और एरोप्लेन में जल्दी से मैं बैठ जाता हूँ जिससे कि जल्दी से अपन ट्रेन को पकड़ ले। जैसे ही दरवाज़ा बंद करके भाई एरोप्लेन की स्पीड देखना कितनी तेज़ भागेगी अभी ये। और इस भाई एरोप्लेन तो ना बहुत हाई स्पीड की है इसकी यार, इसको भी कंट्रोल करना मुश्किल ही है। चलो इससे हम अपनी ट्रेन को पकड़ लेंगे और इसकी लैंडिंग करेंगे अपन ट्रेन के ऊपर छत पे, ट्रेन के ऊपर। दोस्तों ट्रेन लगभग मुझे दिख गई हो रही ट्रेन उधर, जल्दी से शॉर्टकट लेते हैं अपन और सीधी ट्रेन के पास चलते हैं। मैं फर्स्ट पहुंचने ही वाला हूँ ट्रेन के पास, शायद आपको भी दिख रही होगी ट्रेन सामने। कम कम दिखा रही है अब तो, क्लियर क्लियर दिखने लगी वो ट्रेन। ये जल्दी से अपनी स्पीड को स्लो करता हूँ और जल्दी से मैं ट्रेन के पीछे भागता हूँ। तो इस पर लैंड करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि इस पर बढ़िया आराम से एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए ट्रेन के ऊपर। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन ट्रेन के ऊपर लैंडिंग करके देखना है कि कैसा होता है, अगर हो पाती है या नहीं। ये बस सोने वाली है, थोड़ा स्लो। ये लगभग मैंने शायद एरोप्लेन को बंद कर दिया इसलिए उसका फैन ऑफ हो गया। ट्रेन भी काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रही है यार, बस थोड़ा और, बस होने ही वाली है, होने ही वाली है। दोस्तों ये मैं करता हूँ एरोप्लेन को नीचे रखते लैंड कराते हैं इसको आराम से, बिल्कुल आराम से। ओ नो नो नो, ओ भाई बिग मिस्टेक। चलिए कोई नहीं, आप फिर से ट्राई करते हैं एक बार और, ट्राई करते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जल्दी से एरोप्लेन के पास, ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ट्रेन के पास मैं पहुंचा, इस बार मैंने क्या करा कि अपनी एरोप्लेन की स्पीड इतनी रखी ही नहीं। अब भाई ये हो गई, लेकिन ये उसको रखती नहीं है हवा की, कोई मतलब नहीं है, वो नहीं होगी भाई। एरोप्लेन
नहीं लैंडिंग तो कर ली थी ट्रेन के ऊपर, लेकिन वो ट्रेन ना चल रही तो उसको ना गिरा रही है एरोप्लेन को, इसलिए करना फालतू का काम होगा, इसलिए मैं चला जाता हूँ यहाँ से, और यहीं से मैं एक जंप मारूँगा बहुत। ये मैंने यहाँ से जंप कूदा, मुझे लगा कि यहाँ से मैं आउट हो सकता हूँ, लेकिन नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ।